भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के अपर चुनाव अधिकारी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ईवीएम फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ईवीएम वीवीपैट मशीन की एफएलसी से संबंधित बिंदुओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह सहित निर्वाचन विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। So that the entire evaluation gets done very well at this stage itself. Do not trouble us in subsequent stages. Ultimately, it is our trouble whether it's now or later. So better sort it out now itself, that whole process of the first level check. And now let us run through the presentation. ये presentation सभी को visible है, दिखाई दे रहा है साफ से, और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईवीएम रिलेटेड सब्जेक्ट पे होगा वो डीओ का है। और इलेक्शन प्रोसेस का जो स्टार्टिंग है वो एफएलसी से होता है। जो भी स्टाफ इवन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो, पोलिंग स्टाफ हो, वो सभी परेशान रहेंगे। तो इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि हम लोग पूरा इलेक्शन स्मूथली निकाल लें, एफएलसी केयरफुली होगा, उसमें हम लोग कहीं कोई चूक नहीं करेंगे, तो आगे के जितने भी प्रोसेस हैं वो बड़े स्मूथली निकलेंगे और हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हम सबसे पहले तो एफएलसी का, जैसे कि बताया कि डीओ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कस्टोडियन डीओ है, तो एफएलसी प्रोसेस में डीओ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यह जो है इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है।